तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पर, जो है ग्रामर का सेक्शन। आइए देखते हैं। मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है, मैंने बार बार बताया है, सबसे पहला काम जो करना है वो है रिपोर्टेड स्पीच का टाइप पहचानना कि आखिर ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है या फिर कुछ और है। तो क्वेश्चन मार्क सबसे आसान पहचान है, इस तरह सुहागन की पहचान है चुटकी सिंदूर, हम इसे देख कर पहचान लेंगे कि ये इंटरोगेटिव है और इसलिए सेट टू की जगह पर हम रख देंगे क्या, आस्क। तो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। फिर दूसरा काम करेंगे, स्पीच की शुरुआत कैसे हुई है। तो या तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब से। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इसकी जगह पर हम यहां रख देंगे इफ। क्लियर। अब दूसरा पड़ाव पार हो गया। मदर आस्क्ड मी इफ, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम यू को चेंज करेंगे, जो है सेकेंड पर्सन। इसको हमेशा चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो यू के जगह मी आने की आ गया आई। अब अगला, जब डिड से स्टार्ट होता है तो यहां पर हम हेड लगाते हैं, यानी कि परफेक्ट टेंस में करेंगे, गॉन टू स्कूल। इस तरह से ये पहला पार्ट का इनडायरेक्ट हो गया। दूसरा पार्ट सिंपल है, आई रिप्लाइड यस, तो आई रिप्लाइड इन द असर्टिव या अफर्मेटिव भी लिख सकते थे। तो इस तरह से ये पहला डायरेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा देखें, ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल। ध्यान दीजिए, अगर स्पीच लेट अस से स्टार्ट है तो या तो सजेस्टेड लगाएंगे या प्रपोज टू लगाएंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ सजेस्टेड लगाएंगे, इसका अच्छे से ध्यान रखें। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट में जाकर नरेशन के सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 के वीडियोस में। तो ही सजेस्टेड, कॉमन विद कॉमन की जगह पर हम लगाएंगे दैट विल लेट अस वाले सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। अब अस का क्या करना है, अस को चेंज करना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलाकर, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वहां पर हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं, यानी कि ही जो है ही से बात कर रहा है, तो ये हो गया अस की जगह पर दे। ही और ही इक्वल टू दे, वह वे बन गए। फिर शुड लगाते हैं लेटर्स वाले सेंटेंस में, शुड नॉट स्टॉप टिल, यहां तक कोई चेंज नहीं। अब अगला आया वी, वी कौन है, ही अस, अस वी और आवर तीनों आ गए ना, वी अस और आवर, तो दे फिर दे एंड Dear goal, इसी के अकॉर्डिंग तीनों चेंज हो जाएंगे। दूसरा आ गया, he is very poor, he cannot buy a house, a simple sentence है। simple sentence का बड़ा important फंडा है, और simple भी एक verb बचा के रखनी है, बाकी सबको हम किसी ना किसी तरह से diffuse करेंगे। So he is too poor to buy a house, हम adverb to का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट है द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड, इसका बनाना है हमें कंपाउंड। उस लड़के को दंड भी हुआ और उस लड़के को पैसे की सजा भी हुई, यानी कि फाइन भी पड़ा। तो द बॉय वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, उस लड़के को ना सिर्फ शारीरिक दंड मिला बल्कि उसे आर्थिक दंड भी मिला। तो इस तरह से हम नरेशन और सिंथेसिस कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, By whom has this chair been broken? इसका होना है active voice. By whom की जगह हुआ जाएगा, has नहीं रहेगा, broken पहले आ जाएगा और this chair बाद में चला जाएगा। Who has broken this chair? ये chair किसने तोड़ी? बहुत ही important example है, बहुत बार आया है board examination. Next है everybody knows महात्मा गांधी, negative करना है, हर आदमी महात्मा गांधी को जानता है, तो इसका हो जाएगा nobody fails to know महात्मा गांधी। कौन है जो गांधी जी को पहचानने में असफल होता है, अर्थात अर्थ वही रहेगा, केवल नेगेटिव फॉर्म चेंज होगा, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगला सिंटैक्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने चेंज नहीं किया, आपके सामने करूंगा। दीज न्यूज आर करेक्ट, न्यूज हमेशा सिमिलर में होगी, तो यहां पर आएगा इज और दीज नहीं होगा, यहां हो जाएगा दिस न्यूज। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक ही विषय है, सब्जेक्ट बता रहा है, तो यहां पर हो जाएगा इज। नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ध्यान रखिए लिखा भी यू हो और बोला भी यू जाए, यानी कि यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिटी, ठीक है, तो यहां पर आता है हमेशा ए, कभी एन नहीं। लास्ट ही इज वेरी प्राउडी, प्राउडी नहीं होता, सिर्फ प्राउड होता है, ही इज वेरी प्राउड, वो बड़ा घमंडी है। ओके, सो ये था आपका सेक्शन सी, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है।
अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, बाय।